एक तरफ महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है, सियासत अपनी चरम पर है, तो वहीं दूसरी तरफ लंबा वक्त बीत गया है लेकिन अब तक सरकार नहीं बन पा रही है, सरकार को लेकर कोई रास्ता साफ नहीं हुआ है। लेकिन अगर दूसरी तरफ यहां पर बात हम करें महाराष्ट्र के किसानों की, जो मौसम की मार को झेल रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं क्योंकि उनकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस बीच हालात ऐसे बन रहे हैं कि एक बार फिर से शायद महाराष्ट्र में चुनाव हो जाए और ऐसे में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना पार्टियों ने शुरू कर दिया है। किसानों के जो आंसू कहीं ना कहीं अब सूख चुके हैं उनको फिर से पोंछने की कवायद यहां पर शुरू कर दी गई है। जनता पर महंगाई की मार, अन्नदाता पर मौसम की मार, महाराष्ट्र में सरकार पर तकरार, अब सरकार संकट पर आई किसानों की याद। जहां हफ्ते पहले तक आम लोगों को महंगाई रुला रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ किसान मौसम की मार से रो रहे थे और कह रहे थे कि अब तो कोई आए जो उनमें उम्मीदों की आस जगाए। लेकिन भाई आता भी कौन, यहां तो सब मशगूल है अपनी अपनी राजनीति को चमकाने में। कोई गठबंधन को तोड़ रहा है तो कई गठबंधन में बंध रहे हैं। लेकिन अगर इस गठबंधन के नाटक में कोई घुट रहा है तो कोई और नहीं, वो जनता है, जिसने उम्मीदों से किसी को चुना कि वही उसकी नैया पार लगाएगा। लेकिन देखिए तो जरा, महाराष्ट्र के किसानों पर बेमौसम बरसात मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूटी है। लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन सियासत की रोटी ऐसी कि हर कोई एक दूसरे से मुंह फुलाए बैठा है और किसान कर्ज के बोझ में डूबा रो रहा है। अब जब कई दिनों से महाराष्ट्र में चला नाटक एक बार फिर दोबारा चुनाव के संकेत दे रहा है, तो नेताओं को आंसू पोंछने का वक्त मिलने लगा है। जहां पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हारे और जीते विधायकों को आदेश दिया कि सरकार बनाने की चिंता ना करें, वो तो बन ही जाएगी, लेकिन अपना ध्यान काम में लगाए, काम वो जो अगर चुनाव हो तो उससे पार्टी को फायदा मिले, यानी कि सीधे सीधे किसानों के बीच जाएं और उनके आंसू जो अब कहीं ना कहीं सूख चुके हैं उन्हें पोंछने का काम करें। वहीं और पार्टियों के नेता भी अब चुनावों के सबसे पसंदीदा मुद्दे को हवा दे रहे हैं और एक एक करके किसानों की व्यथा को समझ रहे हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रभावी कदमों की बात करता है, तो कोई टीम के साथ राज्यपाल से मुलाकात। खैर ये नेता हैं, अब इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जब जब पानी की लहरों से नौका डूबने का खतरा रहा है, तब तब चप्पू बनकर कभी किसान तो कभी आम जनता को ही ठगा है। ब्यूरो रिपोर्ट R90।